उत्तराखंड एसडीएफ ने ड्रग्स विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एसडीएफ ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली दवाइयां और नकली दवाइयां बनाने में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल बरामद किया। मतलबपुर गांव की एक फैक्ट्री में नकली दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और ड्रग्स विभाग की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां पर टीम ने विभिन्न कंपनियों के करीब 25 लाख रुपए कीमती नकली एंटीबायोटिक दवाइयां बरामद की। साथ ही नकली दवाइयां बनाने में प्रयोग किए जाने वाले 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमती कच्चे माल की बड़ी खेप बरामद की। टीम ने मौके से अमित धीमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि वो ये दवाएं कोरियर के माध्यम से अलग अलग राज्यों में भेजते हैं। वहीं दवाइयां कहां कहां सप्लाई होती हैं, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। जब टीम द्वारा यहाँ पे पता लगाया गया कि यहीं पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही है और मौके पे आके अभी हम लोग यहाँ पे संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अमित धीमान नाम का एक व्यक्ति है, ग्राम मतलबपुर गंग नहर के पास, जिसके द्वारा जो है एक फार्म में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा जो कि बिना लाइसेंस के है, लाइसेंस के पास है नहीं। और इसके पास से एंटीबायोटिक दो टाइप की दवाइयाँ निकली हैं अभी तक, और बाकी जो है इसके पास फूड सप्लीमेंट जो है एनिमल्स के बनाए जा रहे हैं, और बाकी अभी हम लोग यहाँ पे कार्रवाई अभी कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।